अस्सलाम वालेकुम। आज खाना बनना है। अब बहुत दिन के बाद नवीद आया है, तो आज नवीद की आज एक नई रेसिपी ट्राई हुई है, जो आपको मेरे ख्याल से इससे पहले सिखाई होगी या बताई होगी। इस वीडियो के आगे पीछे के इंशाल्लाह एडजस्ट होगी वो। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हमने ये बनाई है और कैसे इसके अंदर क्या है और सब कुछ। तो अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ, इंशाल्लाह अच्छी होगी। वो भी मैं आपको पता है, मैं सच सच बता देती हूँ कि अच्छी है या नहीं। इसलिए अब हम इसको देखते हैं कि अंदर से कैसी है। अब ये मैं कट करके आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या है। ये सब मेरी कोशिश ये है कि मैं वेजिटेबल के साथ आपको चीजें दिखाऊं जो कि इंटरेस्टिंग हो और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे खाने में भी और दिखने में भी। ये बड़ी डिफरेंट है, एटलीस्ट मैंने पहले नहीं कभी खाई या ट्राई की। अब ये वीडियो मैं बना रही हूं, इसको प्लीज कोई ना लिखे, प्रोफेशनल नहीं है या कुछ नहीं है। तो ये क्योंकि मैं खुद ही कर रही होती हूँ, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ आपको गलती नजर आएगी। आज की हमारी रेसिपी ये अब आपके सामने है। एक कैबेज आपने मीडियम साइज की ले लेनी है और उसको आपने अंदर से हॉलो करके काव कर लेना है, और ये इस तरह से एक बोल बन जाएगा कैबेज का। ये आपको दिखा रहे हैं कि लिड उठाएं, और लिड मतलब ऊपर उसका कवर भी है। ये मसाले हैं इस डिश के, ब्राउन अनियन है, लहसुन अदरक और बटन चिलीज, जो साबुत गोल लाल मिर्चें होती हैं वही, और वो और साथ दही है। ऑयल में सबसे पहले आपने लहसुन अदरक डालना है, तो क्योंकि लहसुन अदरक डालने से बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, और अनियन तो हमारे पास ऑलरेडी ब्राउन है ही, तो इसलिए इसको उस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोफ्ते डाल के आप इसको भून लें, थोड़ा सा पहले फ्राई कर लें और उसके बाद आप इसे भून लें। एक ब्लेंडर में आप ये अनियन और जो आपका दही वगैरह है वो डाल के आप बीट कर लें, या दही आप सिर्फ अनियन को आपने कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, ताकि प्याज आपको नज़र ना आए। दही भी डालें तो खैर है वैसे, लेकिन अब आपने इसको भून लेना है, और भूनने के बाद जब आपको पता है भूनते जब हैं तो जब ड्राई हो जाता है और थोड़ा थोड़ा दानेदार सा हो जाए मसाला, उसके बाद आपने ये दही ऐड कर देना है, और दही के बाद आपने थोड़ी देर इसको बॉयल आने देना है, थोड़ा सा दम पे रखना है, और ये आपकी करी सॉस टाइप कोफ्तों वाली तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। फिर आपने जो कैबेज प्रिपेयर की हुई थी उसके अंदर आपने अपने कोफ्ते डाल लें, और ये एक फ्लैन डिश ले लें राउंड वाली, जो आपके ओवन में जा सकती हो, ओवन प्रूफ हो। इसमें मैं नॉर्मली बेकिंग वगैरह भी इसमें करती हूँ, तो इसलिए मुझे पता था कि ये इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जो आपने सॉस प्रिपेयर की हुई थी थोड़ी सी आपने कोफ्तों के ऊपर ड्रॉप डालनी है, और बाकी की आपने जो आपकी फ्लैन डिश है उसमें नीचे आपने डाल देनी है। और इसके साथ आपने, क्योंकि हमने इसको बेक करना है, तो आपने उसमें थोड़ा सा स्लाइटली पानी भी, जो सॉस आप डालेंगे इस फ्लैन डिश में, थोड़ा सा पानी भी उसमें डाल दें, इन केस कि वो अगर ज़्यादा टाइम लगता है आपका कैबेज को बेक होने में, एक दो मिनट एक्स्ट्रा लगें, तो वो नीचे से आपकी जले नहीं।
ये जो अभी हमने जो भी चिकन मीट बॉल्स एंड कैबेज जो ट्राई किया था, ये भी बहुत अच्छा और हेल्दी है। अगर आप इसको, अगर रोटी चावल साथ बॉइल्ड लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन फॉर डाइट आप खाली कैबेज के साथ मीट बॉल खाएं, वो टेस्टी भी बहुत है, उसकी सॉस भी बहुत अच्छी है, या जो शोरबा या करी कुछ भी आप कहें वो भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी खाने वाली केक भी है उसमें, और आपको हैवी भी नहीं हो फील होगा बिल्कुल भी। बहुत मज़े का था मैं बता दूं, बहुत अच्छा था, तो इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इसमें मैंने क्योंकि KNN वाले मीट बॉल्स यूज़ किए हैं जो ज़रा से बड़े हैं, तो अगर आप खुद से अपने घर वाली रेसिपी से कीमे के बनाएंगे मीट बॉल्स तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाएं, वो भी मैं आपको किसी दिन वो भी ट्राई करके बता दूंगी। ये जो KNN वाले कोफ्ते हैं उनके ज़रा बड़ा साइज़ है, इसलिए इसमें 5 या 6 आए थे, तो अगर आप वो छोटे वाले साइज़ के बनाएंगे तो वो अच्छे भी ज़्यादा लगेंगे और वो नई लुक भी होगी, और ज़्यादा आप आराम से खा भी सकते हैं उनको। उसकी रेसिपी आपको पता ही होगी, आपने वही कच्चे कीमे में लहसुन प्याज अदरक सूखा धनिया जीरा डालना है और चॉपर में ब्लेंड कर ले। मैं हमेशा उसमें सिलबट्टा या कुंडी या पता नहीं क्या आप बोलते हैं, जो भी उसे बोलते हैं वो उसमें करवाती हूँ, तो आप उसको चॉपर में कर लें बेशक, और अनारदाना भी उसमें डाल सकते हैं आप, अगर सकते हैं आप, अगर पाउडर है तो, वरना वो ज़रा मुंह में आता है। उसके बाद उसको बाइंडिंग के लिए या तो आप बेसन डालें या आप ब्रेड डालें। मैं नॉर्मली ब्राउन ब्रेड डालती हूँ, उससे वो काफ़ी नरम और अच्छे भी बनते हैं। तो इस रेसिपी से भी आप छोटे वाले गोले बना सकती हैं। क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो अंदाजे से ही आपको पता है, अगर किलो है तो कुछ और होगा, तो उसको बेकिंग और उसमें जैसे उस दिन मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो तो मैंने आपको एक्यूरेट बताया था क्योंकि आपने बेक करना था उसको। तो इसमें आपने, क्योंकि आप हमेशा पाकिस्तानी खाना और हमारा देसी इंडो पाक का खाना है, तो आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें एडजस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना है। अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाएं। आज मैं बहुत ही प्यारी अपनी सब्सक्राइबर रोमा से और उनकी बेटी से मिली, मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच।